मोबाइल हैकर्स के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब आम नागरिकों के बदले पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर वो उनका कहना है कि आपके यहाँ हम जियो टावर लगाएंगे जी, और जियो टावर में आपको एक बार तो उनने बताया कि 10 लाख रुपए आपको तत्काल खाते में डाल देंगे, उसके बाद में 14 लाख रुपए का एग्रीमेंट होगा, 20 लाख रुपए का कुछ ऐसा लालच दे रहे हैं। वो 2-3 बार अलग अलग भाषा का प्रयोग करा उनने जी। जो इस समय आपके सामने मोबाइल पर बात कर रहे हैं यह है जगदीश कारपेंटर, जो कि होमगार्ड में पदस्थ हैं और अभी वर्तमान में रामघाट पर इनकी ड्यूटी है। इनके पास 8130431039 के नंबर से फोन आया और अपने आप को जियो का मोबाइल टावर लगाने वाला बताकर अपने खाते में 30,000 डलवाने की बात कह रहा है। टावर में कितना पैसा मिलेगा मेरे को, मेरे खाते में कितना पैसा आएगा? अभी आपको बताया थे ना, 10 लाख जी। और वो चौकीदार चौकीदार भी रहेंगे नहीं मेरे टावर पे मेरे ही ये सर? ठीक सर। हाँ, हालांकि जगदीश कारपेंटर को लगभग 3 से 4 बार कॉल आया और हर बार कॉल में वह 10 से 30 लाख रुपए सालाना देने की बात कह रहा है, किंतु जगदीश कारपेंटर द्वारा अपने साथी मित्रों से चर्चा कर मामले की जांच की गई तो यह फर्जी कॉल निकला। हालांकि जगदीश कारपेंटर ने कोई भी अमाउंट किसी के खाते में नहीं डलवाया और अब साइबर सेल में आवेदन देने को मन बना लिया है। यहां आपको बता दें कि कई बार हैकर्स द्वारा लोगों को फोन कर उनसे अपना आधार कार्ड व एटीएम के माध्यम से राशि निकाली जाती है। अतः लोगों से निवेदन है कि इस तरह की फर्जी कॉल को नकारें, क्योंकि कोई भी बैंक किसी पर्सनल अकाउंट को लेकर किसी भी नागरिक को फोन नहीं लगाती है। एक बार 20 लाख का बताया, एक बार 10 लाख का बताया जी ऐसे, और बताया कि जियो टावर तत्काल आपके यहाँ लगा देंगे और आपको फलाने फलाने नंबर पे हमको बोले ये जियो के नाम से आपको 2 फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और राशन कार्ड और आपकी जो जमीन है जी, जमीन के रजिस्ट्री की एक फोटोकॉपी जी, ये ऑनलाइन पे जाके ये फलाने नंबर पे हमको उनसे एक्सेप्ट करवा दो जी।